नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। जालौन में कोच पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने सीबीआई का दरोगा बनकर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को जब गिरफ्तार किया, जिसके पास से सीबीआई का एक नकली कार्ड, एक नकली पिस्टल के साथ एक तमंचा बरामद किया गया। पकड़ा गया आरोपी इससे पहले भी दो मर्तबा फर्जी दरोगा के आरोप में जेल जा चुका है। इस मामले की जानकारी देते हुए जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि एक व्यक्ति कोच कोतवाली में शिकायत की थी कि एक युवक कई दिन से सीबीआई का अधिकारी बन ग्राम बिरगुवा बुजुर्ग में लोगों को हड़का कर रुपए ठग रहा है। इस मामले पर कोच पुलिस लगातार उस पर नजर रख रही थी। मुखबिर की सूचना पर कोच पुलिस ने कोच कोतवाल के ब्रजपुरी कॉलोनी में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने खुद को सीबीआई का दरोगा बता रहे जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, सीबीआई का कार्ड, एक नकली पिस्टल आदि बरामद की। साथ में एक गाड़ी भी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने कई लोगों से रुपए ठगने की बात कबूली। पुलिस का मानना है कि ठगी के खेल में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा उससे पूछताछ की जा रही है। यूं तो आरोपी हाई स्कूल फेल है, परंतु शरीर में ठीक ठाक होने के साथ साथ बातों में भी किसी को भी फंसा लेता है। अपर एसपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया, पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र सिंह जालौन के जगनमपुर का रहने वाला है और इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका है। जगमनपुर यहाँ जनपद जालौन में क्या कर रहे थे? हम बैरागढ़ गए हुए थे, उनसे हो गई, तो मैंने कहा था कि ब्लॉक पे, ब्लॉक के सामने मर्डर हो गए हैं, तो उसकी मैं जांच कर रहा हूँ सर। किस संबंध में? कब से ढूंढ रहे? मैंने कहा था मैं एसटीएम में हूँ सर। क्यों कहा था सर? ऐसे बोल दिया था सर मैंने। ये तो ये फर्जी तरीके से बनकर क्यों इस घटनाओं को अंजाम दे रहे सर? अपनी दोनों गलती हो गई सर। कितनी बार जेल जाते हो ऐसा बोल के? सर मैं एकदम माधोगढ़ से जेल गया सर, और एक दाएं और रही से गया सर। एक बार एक सिंगल में जालौन में गए थे? एक सिंगल मनी छूट गए सर। आपके साथ और कोई है कि आप? नहीं सर, हमें अकेले थे। कोई नहीं सर, सुनने में आ रहा है आपके साथ किसी सर ने लिए? मैंने सुनने में आ रहा है आपके साथ एक लड़की थी, कौन थी वो? फिर कल कोई नहीं था सर, मैं हवन था कल। परसों थी? परसों भी ब्राह्मण बैठी हुई थी सर। कहाँ? कोच में। कितने दिन से ठहरी? क्या सर? कितने दिन से ठहरी? किधर पे? यहाँ तीन दिन हो गए। कब से काम कर रहे हो आप लोग? कितने वर्ष हो गए? मैं बता दिया सर, एकदम मैं माधोगढ़ गया था। कितने दिन से कर रहे हैं, पूछ रहे हैं? ऐसे होगा 6-7 महीने। अच्छा, आज जो कोच कोतवाली में पकड़ो, किस मामले में पकड़ो, क्या कर रहे थे? एसटीएफ बन के मैंने जी कहा था ब्लॉक पे, वो खत्म हो गए हैं दो लोग, उसकी मैं जांच कर रहा हूँ। हाँ, जितेंद्र सिंह परिहार जगमनपुर रामपुरा थाने का रहने वाला है। ये कोच थाने में रह करके अपने सीबीआई इंस्पेक्टर बता करके लोगों से लाही का प्रयास कर रहा था। ये सूचना थाने को मिली हुई थी, इस पर इसको पकड़ा गया है। इसके पास से एक गाड़ी मिली है, एक तवंचा है और एक पिस्टल भी मिली है, जिसको खिलौने के रूप में, खिलौने वाली पिस्टल है वो, जो देखने में जैसी लगती है। और इसके पास, इसके पूर्व भी जेल जा चुका है, माधवगढ़ से एक बार गया था, इसके पूर्व भी बताते हैं कि एक बार जेल जा चुका था। ये इसी तरह फर्जिफिकेशन करने का आदि है, इसे पुनः पकड़ा गया है, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके इसे जेल भेजा गया। हाँ, ये कार्ड भी सीबीआई मिला है, उसी के आधार पर लोगों को धमकाता था और लुभाई का प्रयास करता था।